बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। बच्चों, हम लोगों ने पहले दूसरे और तीसरे दिन आ छोटी ई बड़ी ई और छोटा उ बड़ा उ से क्या होता है वो पढ़े थे, मगर आज हम लोग री से क्या होगा वो पढ़ेंगे, साथ ही स्वर वर्ण दोहराएंगे। बच्चों, अब हम लोग स्वर वर्ण पढ़ेंगे। स्वर वर्ण अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ री ए ऐ ओ औ अं अह। ये आप लोगों को घर पे पढ़ना है बच्चों, स्वर वर्ण। बच्चों, आज हम लोग इस हिंदी पुस्तक में नया वर्ण री से क्या होगा वो पढ़ेंगे। री से ऋषि। ऋषि को संत भी कहते हैं। ऋषि श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करते हैं। री से ऋषभ। ऋषभ को बैल भी कहते हैं। री से ऋतु। ऋतु मतलब मौसम, जिसमें मौसम की दशाएं एक खास प्रकार की होती है। बच्चों, अब हम लोग इस लाइन में इस डॉट के ऊपर री को लिखेंगे। पहले आप लोग को इस तरह लिखना है, इसे ऊपर की तरह ले जाना है, फिर थोड़ा सा नीचे लाना है, फिर यहाँ नीचे से आप लोग को इस डॉट के ऊपर लाइन देना है, फिर उसी तरह यहाँ पे ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर थोड़ा सा नीचे लाना है, फिर यहाँ आप लोग को नीचे से लाइन देनी है और फिर यहाँ से आप लोग को लाइन देना है। बच्चों, फिर उसी तरह आप लोग को यहाँ पे लिखना है। बच्चों, यहाँ से लाइन देना है, फिर यहाँ से एक छोटा सा लाइन दे के आप लोग को ऊपर की तरफ ले जाके ऐसे घुमा के नीचे की तरफ लाके आधा गोल करना है। बच्चों, ठीक उसी तरह यहाँ पे ऊपर की तरफ ले जाके थोड़ा सा नीचे की तरफ लाना है, फिर नीचे से यहाँ पे लाइन देना है, फिर इधर से एक लाइन देनी है, फिर यहाँ से छोटा सा लाइन देके आपको ऊपर की तरफ ले जाके गोल घुमा के नीचे की तरफ लाके आधा गोल देना है, ठीक सी की तरह, फिर ऊपर यहाँ पे ये लाइन देना है। उसी तरह बच्चों, आप लोग को यहाँ तक लिखना है। बच्चों, अब मैं आप लोग का री लिखना सिखाऊंगी। पहले आप लोग को ऊपर की तरफ ले जाना है ऐसे, फिर इसको थोड़ा नीचे की तरफ लाना है, फिर यहाँ से एक लाइन देनी है, फिर आप लोग को यहाँ से और एक लाइन देना है, फिर यहाँ से एक छोटा सा लाइन देके ऊपर की तरफ गोल घुमा के नीचे की तरफ ला के आधा गोल देना है सी की तरह, और यहाँ ऊपर एक लाइन देनी है। बच्चों, ठीक उसी तरह हम यहाँ पे फिर लिखेंगे। इस तरह बच्चों, री। बच्चों, आप लोग को घर पे री को लिखना है कॉपी पे। डे फोर, नीचे दिए गए वर्णों को लिखो। री री, इसे आप लोग को हिंदी कॉपी पे फुल पेज लिखना है। बच्चों, इस हिंदी सुलेख पुस्तक में आप लोग को अ लिखने के लिए दिया गया था, आज आप लोग को आ लिखना है। ये आप लोग का होमवर्क है। बच्चों, आ लिखना मैंने आप लोगों को पहले दिन दिखाया था ना बच्चों, उसी तरह आप लोग को आ लिखना है। आप लोग को आ फुल पेज यहाँ तक लिखना है। बच्चों, आप लोग को घर पे हिंदी स्वर वर्ण पढ़ना है, याद भी रखना है और री को लिखना है। थैंक यू।